लास्ट क्वेश्चन है हमारा, रुपीज 1000 इज इन्वेस्टेड इन 10% सिंपल इंटरेस्ट एट 10% सिंपल इंटरेस्ट चेक एट द एंड ऑफ एवरी ईयर इफ द टोटल इंटरेस्ट अमाउंट इज इन एपी, इफ दिस इज एन एपी देन फाइंड इंटरेस्ट अमाउंट आफ्टर 20 ईयर्स फॉर दिस कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी के पेटेंशन। देखो तुम लोग एक्टिविटीज नहीं है लेकिन सेम क्वेश्चन तुम लोग को अदर टाइम से भी आ सकता है। सो देखो यहाँ पे 1000 रुपीज इन्वेस्ट किए, 10% क्या है इसके ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है, हर साल क्या हो रहा है 10% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 20 ईयर्स के बाद जो इंटरेस्ट होगा उसकी रकम उसकी अमाउंट क्या होगी। नाउ सी सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू एन डिवाइड बाय 100, ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर कैसे मिलेगा, 1000 इंटू 10 इंटू 1 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 100, 0 0 कैंसिल 100 हुआ। सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर्स 1000 इंटू 10 इंटू 2, 0 0 कैंसिल 10 10 जा 100 टू जा 200, सेम 3 ईयर्स के बाद 300, मतलब 1 आफ्टर 1 ईयर 100, आफ्टर 2 ईयर्स 200, आफ्टर 3 ईयर्स 300, सो आफ्टर 4 ईयर्स 400, आफ्टर 5 ईयर्स 500, आफ्टर 6 ईयर 600। अकॉर्डिंग टू दिस सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4, 5, 6 ईयर्स विल बी 400, 500, 600, राइट। फ्रॉम दिस डी इज इक्वल टू क्या है 100, देखो डिफरेंस 100 का बढ़ रहा है और ए क्या है 100 है। अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 20 ईयर्स हम लोग को फाइंड करना है, मतलब टी एन हम लोग को फाइंड करना है। सो टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी, सो ए क्या है 100 प्लस 20 माइनस 1 इंटू 100। ओके नाउ 20 माइनस 1 कितने हो गए 1900 मतलब 1900 प्लस 100 2000, मतलब 20 साल के बाद जो इंटरेस्ट की रकम होगी ओनली इंटरेस्ट दैट इज 2000। जो पहले साल 100 मिले, दूसरे साल 200, फिर 300 हो गए, फिर 400 हो गए, मतलब 100 बढ़ रहे, तो 20 ईयर्स के बाद जो तुम्हें इंटरेस्ट मिलने वाला उसकी रकम क्या होगी 2000 रुपीज। आया समझ में? एंड हियर योर प्रॉब्लम सेट 3 फिनिश।